अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ पकोड़ा, आलू पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलें चलते हैं पहले पकौड़े। तो सबसे पहले मैंने ये जो मलाई रखी थी इसको हम बटर बना लेंगे। तो एक बाउल मलाई का ये, आज फिर से सर्दी हो रही है, पता नहीं जो बारिश होती है सर्दी हो जाती है, होनी नहीं थी बारिश पर फिर से हो गई। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच दही की, इसमें डालेंगे आइस क्यूब, ये आइस क्यूब डाल देंगे इसमें, और इसमें डालेंगे ठंडा पानी एक कप। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, काम ज्यादा करके इसकी स्पीड को। लगभग 1 मिनट तक कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, फिर इसमें बटर निकल आता है। तो देखिए ये बटर निकल आया। तो अब इसमें जो पानी है इसको स्क्वीज कर लेंगे हम। तो ये रेडी हो गया, अब हम इसको रखें साइड में। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी आलू के पकोड़े। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून। और डालेंगे 1 चम्मच नमक, डालेंगे बेसन, 2 से 3 चम्मच हल्दी डालेंगे। तो आप डालेंगे इसमें चुटकी भर बेकिंग पाउडर, तो अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मिक्स अच्छे से हो गए थे। अब हम इनको सबको ऐसे इसमें तेल में डाल देंगे, तेल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए थोड़े थोड़े करके, मगर एक एक जगह थोड़ी सी स्पेस रख के डालने पड़ते हैं ताकि ये अच्छे से बने, फिर वह बहुत अच्छे से बनते हैं टेस्टी। तो ये एक साइड से हो गए हैं देखिए, अब इसको दूसरी साइड से हम टर्न करेंगे ऐसे ही, ताकि इनको मैं ऊपर से दबा रही हूँ कि ये अंदर मत इनके बेसनों का तो कच्चे ना रह जाएं। तो इसी तरह सबों को ऐसे ही कर लूंगी मैं।
आप निकाल देंगे इनको। इसी तरह मैं साथ साथ में वो जो कच्चे थे उनके साथ में वो डाल दिए मैंने, ताकि सारे जल्दी से रेडी हो जाएं। इसीलिए तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं लगाऊंगी दस्तरखान। तो ये देखिए दस्तरखान लगा दिया और ये वो पकौड़े जो मैं बना रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो और आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ये अपशु है।